दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि पिछला वक्त जितना मुश्किल होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। और दोस्तों, इन्हीं लाइनों को सच साबित कर दिखाया है कराची के तीन लड़कों ने, जिनका नाम काशान, हम्मात और फैसल है। और दोस्तों, अगर आप इन तीनों को इनके नाम से नहीं जानते तो द इडियट्स यूट्यूब चैनल के जरिए तो ज़रूर ही जानते होंगे। दरअसल द इडियट्स पिछले 10 सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, और इस चैनल की वीडियोस को देखने के बाद कोई हंसे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि भले ही आज की तारीख में तीनों को सब जानते हैं, लेकिन एक वक्त इन पर ऐसा भी आया जब इनके हजारों लाइक्स वाला फेसबुक पेज हैक कर लिया गया, और कभी कभी तो फेसबुक ने इनका पेज खुद ही डिलीट कर दिया। लेकिन किस तरह काशान, हम्मात और फैसल आगे बढ़े, आज की इस वीडियो में हम सारी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के शहर कराची से, जहां हम्मात, काशान और फैसल पैदा हुए। और अगर इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो तीनों ने 2009 में सर सैयद यूनिवर्सिटी से पास आउट किया। और दोस्तों, इसी बीच काशान और फैसल ने अपना फेसबुक पेज खोला, जहां वो फनी वीडियोस अपलोड किया करते थे। लेकिन फिर हम्मात भी शुरू से एक्टिंग का शौक रखते हुए उनकी टीम में शामिल हो गए, और फिर तीनों ने एक मूवी के नाम पर यानी 3 इडियट्स से अपना पेज बनाया, और फिर उस पेज पर लगातार वीडियोस अपलोड करते रहे। लेकिन जब उनके पेज पर 22,000 लाइक हुए तो उनका पेज हैक हो गया। तीनों को धचका तो लगा, लेकिन फिर उन्होंने एक और पेज बनाया, लेकिन वो भी फेसबुक ने 10,000 लाइक के बाद डिलीट कर दिया। उस वक्त तीनों काफ़ी डिप्रेस हो गए थे, लेकिन पिछली बातों को भुलाकर तीनों ने तीसरा पेज बनाया, जिसका नाम 3 इडियट्स ऑफ पाकिस्तान रखा। और अब तीनों कंटेंट बनाने में काफ़ी आगे चले गए थे, और फिर तीनों ने कराची में हो रहे यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। वीडियो क्वालिटी बहुत बुरी होने की वजह से रिजेक्ट हो गए, और अब तीनों समझ चुके थे कि कंटेंट के साथ साथ क्वालिटी भी ज़रूरी है। और फिर काशान ने अपने दोस्त से कैमरा लेकर फिर यूथ फेस्टिवल के लिए वीडियो बनाई, और इस बार उन्होंने फर्स्ट प्राइज अपने नाम किया, जहाँ उन्हें 25,000 रुपये इनाम में मिले। और कुछ समय बाद हम्मात ने काशान और फैसल को बिना बताए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में यही वीडियो सबमिट करा दी। लेकिन तीनों को क्या पता था कि यहाँ भी इनकी वीडियो फर्स्ट प्राइस ले गई, और इस बार प्राइस में द इडियट्स को कैनॉन 650D कैमरा इनाम में मिला। और फिर तो काशान, हम्मात और फैसल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर 2012 में आमिर लियाकत पैरोडी फेसबुक पर वायरल हो गई, जो कि उन तीनों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और उसी वक्त 2016 में YouTube भी पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो गया, और फिर इन्होंने अपना नाम 3 इडियट्स पाकिस्तान से द इडियट्स कर लिया। और फिर YouTube पर आने के बाद सालों की मेहनत की वजह से इन्होंने 1,00,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा भी पूरा कर लिया था। और दोस्तों, इसके बाद से तीनों दोस्तों ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज अगर देखें तो द इडियट्स यूट्यूब चैनल पर 11,00,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर मौजूद हैं। और तीनों में से द इडियट्स यूट्यूब चैनल के अलावा काशान और फैसल का यूट्यूब पर चैनल मौजूद है, और हम्मात 9 to 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब भी करते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि द इडियट्स यूट्यूब चैनल और इसके तीनों क्रिएटर्स यानी हम्मात, काशान और फैसल की शुरुआत से लेकर अब तक की ये कहानी ज़रूरी पसंद आई होगी। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया।